आज्ञा है। परम सम्माननीय खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय शास्त्र बुद्धे जी, श्रीमती डॉली सन्नी, श्री रविंद्र साठे जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री रवि पोखरण जी और मंचासीन विभूतियों के अतिरिक्त सभागार में उपस्थित सभी विशिष्टजन और प्रियवर मित्रों, मैं प्रारंभ में ही कहना चाहूंगा कि मैं आशु वक्ता नहीं हूं। मंच पर बैठे कई लोगों की तरह और आप में से बहुत से लोगों की तरह आशु वक्ता बिल्कुल नहीं हूं। मेरा अनुभव श्रोता का दिख रहा है। लगभग 37 वर्ष तक मैंने सांसदों की मधुर वाणी के संगीत का रस आस्वादन किया और उसके लिए श्रोता की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। मैं एक भारत के संविधान का और राजनीति विज्ञान का बहुत अकिंचन सा विद्यार्थी हूँ और मेरा सदैव प्रयास रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ से कुछ न कुछ सीख कर आऊँ। मित्रों, चाहे लिखना हो और चाहे बोलना हो, मुझे अपनी स्वकीय हिंदी भाषा में अधिक अच्छा लगता है। और जब मैं हिंदी भाषा कहता हूँ तो मेरा मानना है कि मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु सभी हिंदी भाषाएं हैं, हिंदी की भाषाएं हैं, सभी हिंदी भाषाएं हैं। तो अपनी स्वकीय भाषा में बोलना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने क्षमा करें देखा कि यहाँ जितना पत्राचार हुआ इस संगोष्ठी के विषय में वो सब औपनिवेशिक अंग्रेजी भाषा में, परकीय भाषा में हुआ। तो मुझे उससे ऐसा लगा कि संभवतः विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पर आएंगे और इसलिए प्रबोधिनी रामभाऊ महलगी प्रबोधिनी अंग्रेजी में ये संगोष्ठी करना चाह रही है। जैसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, हर एक भाषा की अपनी विशेषता होती है और जिस भाषा में आप बोलने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में सोचें तो अंग्रेजी में सोचें तो और तरह का सोच होगा और अपनी स्वकीय भाषा में सोचें तो और तरह का सोच होगा। तो क्योंकि मुझे ये भ्रम रहा कि अंग्रेजी भाषा में सब काम होने वाला है, इसलिए मैंने जो थोड़ा सा समय इस संगोष्ठी के बारे में सोचने पर लगाया वो अंग्रेजी में था। तो मैं प्रयास करूँगा, और अंग्रेजी में था तो मैंने अंग्रेजी में कुछ बिंदुओं पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का सोचा और उसको लिखित रूप में लाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इस सभा का प्रारंभ और संचालन हिंदी भाषा में हुआ, तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक संभव हो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके कुछ बातें कहूं और कुछ बातें मूल लेख के अनुसार अंग्रेजी में कहूं। तो हिंदी अंग्रेजी में मिला जुला वार्तालाप हो सकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि अगर समय बचता है तो अगर आप लोग में से कुछ प्रश्न पूछना चाहें और सभाध्यक्ष आज्ञा दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, प्रश्न पूछना चाहें या कोई टिप्पणी करना चाहें। नहीं, कुछ नहीं, एक मिनट क्षमा I am deeply beholden to Rambhau Prabodhini for inviting me to this national seminar on a topic of tremendous contemporary relevance. I first came to a Prabodhini program some 25 years back. I think it was a seminar on criminalization of politics, Rajniti ka apradhikaran. विषय था और जो मुझे तीन चेहरे याद आते हैं उसमें उपस्थिति के, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे और हमारे शेष बुद्ध जी थे, और भी लोग होंगे लेकिन ये तीन चेहरे मुझे याद हैं। द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज इन मुंबई, मुंबई में हुआ था एक सभागार में, क्योंकि उस समय तक प्रबोधिनी का अपना कोई परिसर या अपना कोई भवन नहीं था। यहाँ आकर जब मैंने आपका ये परिसर, ये भवन देखा तो सचमुच ये बहुत ही प्रभावशाली, प्रभावी और प्रेरणादायी परिसर है। बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा प्रांगण है। आई एम ग्लैड टू सी दैट सिंस देन दिस इंस्टीट्यूशन हैज प्रोग्रेस्ड फास्ट एंड इज ऑलवेज ऑन द रोड टू अटेनिंग न्यूअर एंड न्यूअर हाइट्स। इट्स प्रेजेंट प्रेमिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड लीडरशिप एंड बैंड ऑफ डेडिकेटेड कोलीग्स are truly impressive and inspiring. Friends, the valedictory session is usually devoted to stock-taking, reporting on deliberations, crystallization of consensus, if any, and taking decisions for follow-up action. The speakers who have preceded me have precisely tried to do that. Unfortunately, ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं संगोष्ठी में पूरे समय उपस्थित रहता और सब लोगों को सुनता, लेकिन जो विवरण आपने बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया है उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ। One election, one nation, or of simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies, or better still, in the long run, for synchronizing all elections from panchayats to parliament. अगर विचार बताइए कि इस बात पर हो या हुआ हो कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ हो जाएं,
और पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए अलग से चुनाव हों तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है. हम प्रारंभ कर सकते हैं लोकसभा और विधानसभाओं से और उसके बाद अगर ठीक लगे तो पंचायत और नगर पालिकाओं तक जा सकते हैं. मैं समझता हूँ दिस प्रपोजल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एंटायरली डूएबल एंड द आर्गुमेंट्स इन फेवर आर एंटायरली अनअसेलेबल एंड अनएक्सेप्शनेबल. फ्रेंड्स, आई कैन ब्रेक अबाउट एडवोकेटिंग इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स for some decades now. In all humility, I can brag about, for ego satisfaction, if I may say so, I can brag about advocating simultaneous elections for a long time. The Law Commission, headed by Justice Jeeva Reddy, suggested simul elections in 1999. Relatively speaking, more recently, on completion of 50 years of independence, 50 years of the Constitution, 50 years of the working of the Constitution, the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee decided to organize a nationwide program of seminars on electoral reforms. Khattaji is here. He was a participant in one of those seminars in Calcutta. We had those seminars organized in different states, in different parts of the country. And I was given the honor of being in charge of all those elections all over the country. And we discussed various matters, including the question of simultaneous elections. Also, the same year, in 2000, the President appointed the National Commission to review the working of the Constitution. I happened to be a member of the 11-member Commission, particularly in charge of elections and political parties, and was also chairman of the drafting committee of the Commission. And in the later capacity as chairman of the drafting committee, I drafted and wrote the report of the commission. The commission, after in-depth and careful consideration, found that the constitution makers, our founding fathers, had visualized simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies. Panchayats in the present form had not come till then. The one thing which the commission found was that halanki vayask madadhikar hamare desh mein hai samvidhan ke anusar aur sabhi vayask nagrik मतदान कर सकते हैं, चाहे वो पंचायत के लिए हो, नगर पालिका के लिए हो, विधानसभा के लिए हो या लोकसभा के लिए हो, लेकिन इलेक्ट्रल रूल्स अलग अलग तैयार किए जाते हैं. राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए इलेक्ट्रल रूल्स अलग से बनते हैं और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है वो उसके तत्वाधान में बनते हैं और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए इलेक्टोरल रोल्स अलग से बनते हैं. आप देखिए कि जब मतदाता एक ही हैं तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज, आप लोगों को पता होगा कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्टोरल बनाने की, कितने हजारों लोग और स्कूल के टीचर्स और लोग इस काम पर लगाए जाते हैं, तो क्या जरूरत है कि दो बार ये पूरी एक्सरसाइज की जाए और कितना
करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है और टीचर्स का कितना समय बर्बाद होता है, तो उसका कोई उसकी न कोई उपाय देता है न उसका कोई कारण समझ में आता है क्यों ऐसा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने उसकी भर्त्सना की और कहा कि इलेक्टोरल रोल एक ही होना चाहिए और ये भी कहा कि वो इलेक्टोरल रोल ऐसा नहीं कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के तत्वावधान में हो, बल्कि पंचायतों से शुरू होना चाहिए, गांव से शुरू होना चाहिए और जो इलेक्टोरल रोल बने वो पूरे देश पर लागू हो, सभी चुनावों पर चुनावों के लिए उसका प्रयोग हो। जहाँ तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस का वन इलेक्शन का सवाल है, वहाँ आयोग ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा विद ए व्यू एंड आई कोट विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड स्ट्रेन ऑन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज स्टेट एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द एक्सटेंट पॉसिबल शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम अनकोट। That was in 2002. The spirit of the recommendation was stated as the goal to be aimed at, but that it may not be feasible to bring about the change at a particular point of time with a hammer. I wrote a few articles in Organizer, Economic Times, Tribune, etc. The then Vice President Shri B.S. Shekhawat supported the idea of simultaneous elections, and then Deputy Prime Minister Shri L.K. Advani said as much as that the proposal was under active consideration. Now that our present Prime Minister is openly and strongly in favor of the idea, it should be legitimately possible to achieve the aim by a two-phase approach. Latest by 2024, we can have simultaneous elections to Lok Sabha, all the state assemblies, and in course of time, in future, also for panchayats to parliament, without any constitutional amendment or any new legislation required. ये मेरा महत्वपूर्ण निवेदन है कि ऐसा करने के लिए संविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत ये किया जा सकता है, वर्तमान कानून के अंतर्गत। अभी जो संविधान में स्थिति है उसके अनुसार 5 साल का टर्म प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी 5 साल का टर्म है, लेकिन उसमें एक एडजेक्टिव लगा हुआ है अनलेस डिसॉल्व अर्लियर द टर्म विल बी 5 years, विधानसभा का भी हो पलक। इसका मतलब ये हुआ कि डिसॉल्व तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल पूरे होते ही खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन की जो बात करते हैं विधायक लोगों को तो बड़ी खुशी होती है अगर ये कहा जाए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि आपका टर्म बढ़ जाएगा, कुछ लोगों का तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि बढ़ जाएगा 5 साल से 6 साल हो जाएगा, कहीं 7 साल हो जाएगा। लेकिन संविधान में जो इस समय प्रावधान है उसके अनुसार आप बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हो, कभी भी असेंबली का विघटन कर सकते हो, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरे होंगे वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि अगर 2024 तक का समय दिया जाए तो संविधान में बगैर परिवर्तन किए कोई नया कानून लाए बगैर ये हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बट फॉर लास्टिंग इफेक्ट एंड टू प्रिवेंट ए रिटर्न टू द प्रेजेंट केओस ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस and the whole country remaining in election mode all the time, it would be certainly necessary not to think of this change
in isolation, but to make it part of an integrated electoral reforms package, which should include, and I am mentioning a few points. अगर आप एक बार विदे हैमर कर भी देते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे इलेक्शंस कर दें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले साल ही कोई असेंबली डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, कुछ डिफेक्शंस नहीं हो जाएंगे और कुछ लोग अपना पाला नहीं बदल देंगे और गवर्नमेंट को गिरा नहीं देंगे, तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी, पांच साल के अंदर फिर से अलग अलग चुनाव करने पड़ेंगे। तो इसके लिए केवल ये निर्णय करना कि कल से या दो साल बाद से एक साथ सब चुनाव होंगे वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हम वर्तमान स्थिति में बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। इसलिए इस सुधार के साथ साथ कुछ और सुधार भी करने की जरूरत है। नंबर वन, लोकसभा और द विधानसभा शुड इलेक्ट द लीडर ऑफ द हाउस हु शुड बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सदन के नेता का चुनाव सदन करे और जहां तक संभव हो वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हो, जिसको सबसे अधिक मत मिले, जैसे स्पीकर का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसी तरह सदन के नेता का चुनाव हो और जो भी नेता चुना जाए उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। आपने उल्लेख किया जर्मनी के उस प्रावधान का, जिसके अंतर्गत रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है, लेकिन रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ ये भी जरूरी है कि नेता का चुनाव सदन करे। जर्मनी में वो भी है, उसका उल्लेख पता नहीं संगोष्ठी में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट आपने पढ़ी उसके अनुसार संभवतः उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। जब नेता का चुनाव सदन करेगा तो उसको हटाने का अधिकार नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी सदन का होगा, तो ये भी साथ में होना चाहिए। तीसरी बात, टू रिड द सिस्टम ऑफ डिवाइसिव वोट बैंक पॉलिटिक्स मेकिंग 50+1 वोट मिनिमम नेसेसरी फॉर विनिंग द इलेक्शन एंड होल्डिंग रीपोल्स द नेक्स्ट डे। अभी जो स्थिति है उसमें, वो लंबा विषय है तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पिछले 4-5 इलेक्शंस को देख लीजिए, अभी 2014 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, तो 5-6 इलेक्शंस में नतीजे जो निकल कर आए वो ये थे कि सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में जो लोग चुनकर गए उनके विरोध में अधिक मत पड़े, पक्ष में कम। जिन्हें हम जनता का प्रतिनिधि कहते हैं उन्हें जनता, पूरी जनता ने नहीं, पूरे मतदाताओं ने नहीं, लेकिन जिन्होंने वोट डाले उनका भी बहुमत नहीं मिला। और एक राज्य जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है देश का, उसमें जो योगी जी की इससे पहले सरकार थी उसमें 93% विधायक ऐसे थे जिनके विरोध में अधिक मत पड़े थे, पक्ष में कम पड़े थे। तो क्या ऐसे लोगों को, जिनके विरुद्ध 93% लोग हैं, उन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जा सकता है? तो बगैर इसमें परिवर्तन किए, और सब आप साइमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहें तो उससे कोई ज्यादा सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके साथ 2-4 संशोधन और होना जरूरी होगा। बहुत से संशोधन की जरूरत है, लेकिन मैं 4-5 बता रहा हूं जो इसके साथ में होने चाहिए। तो होना ही चाहिए कि जब तक 50%
प्लस वन वोट नहीं मिले तब तक किसी को चुनाव घोषित नहीं किया जा सके, और अगर किसी को भी नहीं मिला है तो अगले ही दिन सुबह को रीपोल होना चाहिए, और आजकल टेक्नोलॉजी के युग में शाम तक चुनाव का परिणाम कंप्यूटर से पता चल सकता है, और अगले दिन सुबह ही बगैर फ्रेश सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह के चुनाव हो सकते हैं। और उसका एक लाभ यह होगा, सबसे बड़ा लाभ, कि जो देश में फिसिपरस डिवाइसिव टेंडेंसीज हैं, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर जो वोट बैंक बनते हैं, उन पर पक्की रोक लगेगी, क्योंकि जब 50% प्लस वोट चाहिए, वन वोट चाहिए, तो आपको विकास के आधार पर और आधारों पर वोट मांगने होंगे, केवल जाति के आधार पर वोट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश में कम से कम लोकसभा के लिए एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक जाति का बहुमत हो। तो अगर आप बहुमत चाहिए आपको, तो आपको जाति से बाहर जाना पड़ेगा, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, वाइडर मुद्दों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। पांचवा सुझाव मेरा है कि वोटिंग को, कई लोग बात करते हैं कंपलसरी वोटिंग होना चाहिए, तो कंपलसरी वोटिंग तो संविधान के विरुद्ध होगा और उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि राइट टू वोट इंक्लूड्स द राइट नॉट टू वोट, मताधिकार में ये भी अधिकार साहब शामिल है कि आप मत न दें किसी को भी, तो वो तो मैं समझता हूँ संभव नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा, लेकिन मत देने को संविधान के मूल कर्तव्यों का जो अध्याय है, नागरिकों के मूल कर्तव्य, उसमें नागरिक का मूल कर्तव्य बनाया जा सकता है, इट कैन बी मेड ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 4A, और उसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाने के साथ साथ ये प्रावधान किया जा सकता है कि जो नागरिक होने के आधार पर आपको सुविधाएं मिलती हैं, कुछ उनमें से सुविधाएं आपको सर्टिफिकेट ऑफ वोटिंग दिखाने के बाद मिलें, जैसे पासपोर्ट लेने वाले अधिकांश लोग वोट देने नहीं जाते, विदेशों में घूमने के लिए समय होता है लेकिन वोट देने के लिए समय नहीं होता, तो पासपोर्ट तब तक इश्यू न हो जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ वोटिंग न दिखाएं, BPL कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिबेट्स, इन सब के लिए सर्टिफिकेट ऑफ वोटिंग दिखाना जरूरी हो, इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है और कोई संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, और अगर ये हो जाता है तो मेरा अनुमान है कि स्वतः ही 90% से अधिक वोटिंग हो जाएगा बगैर उसको कंपलसरी किए। सम सच स्टेप्स में मिनिमाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी मिड टर्म डिसोल्यूशंस ऑफ आवर legislative houses. In the most unlikely event of that still happening, the midterm election may be only for the remaining period of the term, so that the mega festival of democracy is held at the same time every 5 years. Modi ji ne abhi apne ek interview mein kaha ki ye bahut bada festival hai, aur jise festival ek niyat samay par aate hain, ye bhi ek niyat samay par होना चाहिए, तो ये संभव होगा अगर ये कुछ सुझाव मान लिए जाते हैं। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट द प्रपोजल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इज एंटायरली अनएक्सेलेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। इट इज हार्डली नेसेसरी टू रिकॉल द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स इन फेवर that have been advanced in writings and in national seminars, including the one that you had these 2 days. I'm not obviously purposely including talking about those arguments, because that would be unnecessary repetition.
But the problem, my dear friends, is that we have amongst us, forgive my saying so, when I say amongst us, I do not mean those present here at this seminar. I mean in the country as a whole. We have amongst us some people who pay only lip service to unity and integrity of the nation. They survive and thrive on dividing society on ethnic, linguistic, or regional basis, and on building their vote banks on promoting separate identities. Their road to political success is inevitably paved with competitive communalism, casteism, and populism. They, by deliberate design, have no pan-Indian perspective or national agenda, and good governance and development are not their priorities. Also, the phenomenon of the entire country always remaining in the election mode and frequency and multiplicity of elections brings to some sections of our people boons of pecuniary and other benefits. How can we expect the beneficiaries of the present system and those having a vested interest in keeping the nation divided to strike at their own feet? Why should they strike on their own fate and support the one nation, one election principle? The earlier this mrigmarichika hope of building a consensus through nationwide debate is given up, the better. There have been enough of national debates on this subject. They have been going on for many years. I told you how we had all over the country during the last Atal Bihari Vajpayee government, we had seminars all over the country on the same subject, and then nothing happened. Fortunately, now we have a dynamic leadership well equipped to decide whether we merely want the debate to continue or what is proposed is concrete action for one nation, one election. What is important is action and not debates, continuing debates in Delhi, then in Banaras, Varanasi, then Nehru University. And you can have as many debates as you like all over the country. But the question is whether you want only debates or you want some action. That the leadership has to decide. Thank you. Jai Bharat, Jai Maharashtra.